आप जो सांसें ले रहे हैं, यह सामान्य से दिखने वाली सांसें, जिन्हें हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, जिस दिन यहाँ रुक जाएंगी, उस दिन आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। शायद आप नहीं जानते, सांसों के सही इस्तेमाल से आप अपने जीवन का ही नहीं, इस पारलौकिक जीवन का भी रहस्य जान सकते हैं। आप अपनी सांसों में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप अपनी सारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता में विकास कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपकी सांस नाभि तक चलेगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सांसें छोटी व उथली होती है। ऐसे में आपको यह महसूस ही नहीं होता कि सांस आपके अंदर कब जा रही है और कब बाहर आ रही है। एक लंबा और गहरा लिया हुआ सांस नाभि तक जाता है और हमें प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से महसूस भी होता है कि सांस हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब सांस नाभि तक प्रवेश करती है, तब आपके पूरे शरीर को, शरीर के प्रत्येक अंग को भरपूर मात्रा में प्राण ऊर्जा मिलता है, जो आपके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है। क्योंकि जो सांस आप ग्रहण करते हैं, वह सांस आपके शरीर के लिए ईंधन या ऊर्जा का कार्य करता है। इसलिए सांसों को प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति या प्राण तत्व भी कहा जाता है। ये सामान्य सी महसूस होने वाली हवा शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा प्रदान करती है। ये साधारण सी लगने वाली वायु आपके ब्रेन को ऊर्जा देती है। आपके ब्रेन में मौजूद सभी सूक्ष्म कोशिकाएं भी इसी वायु के द्वारा संचालित होती है। यह साधारण सी हवा यह तय करती है कि आप कितने स्वस्थ होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, आपका जीवन काल कितना होगा, यानी आपकी उम्र, समय या बस नहीं, सांसें तय करती है। तो यदि आप सांस लेते समय सांसों पर ध्यान देते हैं, सांसों को महसूस करते हैं, यानी जब आप सांस नाभि तक लेते हैं, तब आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी आप जीवन ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा प्रवेश कर रही है। नाभि तक चलने वाली सांसें आपके शरीर और मन के भी विकारों को भी मिटाएंगी। और हमारे शरीर और मन का सबसे बड़ा विकार है हमारा अहंकार। जब सांस नाभि तक चलती है तो अहंकार को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि लंबी गहरी सांसें मन को शांति, स्थिर व एकाग्र करती है। इसलिए जब भी कोई आसान त्याग उससे में होता है, तो उसे एक लंबी गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है। आज हम स्वयं को शांत करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध और अहंकार की भावना भरी रहती है। ये वैसे ही कार्य करता है जैसे एक पेड़ को ऊपर ऊपर काट दिया जाता है और बाद में उसमें और अधिक डालियां या पत्ते निकल आते हैं। यानी पेड़ को गिराने के लिए उसके जड़ पर वार करना होगा। यानी हमारा मन गुस्सा, अहंकार और क्रोध को दबाने से शांत नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए गुस्सा, अहंकार और क्रोध को जड़ से समाप्त करना होगा, और इनका जड़ है अहंकार। अहंकार को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको अपने सांसों पर ध्यान देना होगा। आपको अपने सांसों को नाभि तक ले जाना होगा। जब आप अपने सांसों को नाभि तक ले जाते हैं, तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, और प्राण ऊर्जा के प्रवाह से आपका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। अहंकार को समाप्त करने के लिए आप कुछ योग और प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, पालभाती प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बस आदि। इन योग और प्राणायाम से आप अपने सांसों को नाभि तक ले जाना सीख सकते हैं और अपने अहंकार को भी समाप्त कर सकते हैं। अहंकार को समाप्त करने के लिए आप एक सरल प्रयोग भी कर सकते हैं। आप अपने सामने एक कांच रखें और उस कांच में अपना चेहरा देखें, और फिर अपने मन में सोचें कि यह चेहरा मेरा नहीं है, यह चेहरा एक अनजान व्यक्ति का चेहरा है। आप इस प्रयोग को दिन में 5-10 मिनट तक करें। इससे आपको अहंकार को कम करने में मदद मिलेगी। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखना।